हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का बंटी हिमाचल यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो यूट्यूब में मेरा डेली का एक्टिव न्यू मैं और बहुत रेली ब्लॉग्स डालता हूँ, मतलब लाइक महीने के एक ब्लॉग्स डाल देता हूँ, बहुत मुश्किल से वो भी। तो क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करी, इसलिए मैं अपने चैनल को बंद नहीं करना चाहता। तो होप करता हूँ आपको जो भी ब्लॉग होगा आज का वो पसंद आएगा। और हम आ रखे हैं अपने दूसरे वाले घर, जो कि हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट भरमौर में पड़ता है। तो आज का कैसा रहता है दिन और हम क्या क्या करते हैं वो आपके साथ करेंगे शेयर। तो होप करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी यहाँ का आपको मैं पहले वेदर बता दूँ, फिर आपको ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। मिलते हैं आगे। गाइज, आप वेदर देखो पहले, यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रखा है, बारिश लगी है, बादल ही बादल सामने, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे वेदर में। तो गर्मियों में रह रह के बहुत बुरा हाल होता है एसी में बैठ बैठ के। यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल एसी है, तो बहुत अच्छा वेदर रहता है यहाँ पे। लाइक पूरे दिन में बारिश होती रहती है और बादल वगैरह होते रहते हैं, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। मन करता है यहाँ पे रहे, पर यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। तो अभी मैं नहा धो लेता हूँ, फिर रेडी होके आपसे बात करता हूँ। और आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं वो आपके साथ आज ब्लॉग शेयर करेंगे। तो चलो मिलते हैं आगे। सो गाइज, मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, यहाँ पे ठंड बहुत है इसलिए जैकेट वगैरह लगाने पड़ेगी। सो आज का कैसा रहता है ब्लॉग। और बाकी यहाँ पे ना मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है, ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हमारे दूसरे वाले घर में तो बहुत गर्मी होती थी। सो पिछले साल जो भी मणिमहेश यात्रा थी और जो भी मैंने अपडेट्स दिए थे, उसमें मेरे चैनल को काफ़ी अच्छा पुश मिला था। तो काफ़ी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब में। तो मैं वैसे ही चाहता हूँ कि आप फिर से मेरे को वैसा सपोर्ट करो, मैं आपको अच्छे से अपडेट दूंगा अगर आपको अपडेट चाहिए तो। बाकी हमारे ब्लॉग्स तो अब आते रहेंगे डेली। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो बंटी हिमाचली यूज़र नेम के नाम से। तो बिना टाइम वेस्ट करे ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, बाकी मिलते हैं आगे। गाइज, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, काफ़ी ज़ोर से बारिश लगी हुई है, तो हम बारिश में कहीं जा नहीं सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से सेबों के बगीचे भी दिखते हैं, मैं आपको सेबों के बगीचे भी दिखाता हूँ। गाइज, बारिश से बुरा हाल है, बारिश रुक नहीं रही। आप देख सकते हो ये सामने जो भी हैं ये सेबों के बगीचे हैं। तो अभी सेब छोटे छोटे हैं, थोड़े महीनों के बाद से बड़े हो जाएंगे। और हम निकलते हैं एक पहाड़ी शादी के लिए। और रास्ते में रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रखी थी, क्योंकि पिछले तीन दिनों से ना ही यहाँ पे नेटवर्क था और ना ही यहाँ पे लाइट थी, और रोड की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो रखी थी। और उसके बाद हम पहुँचते हैं एक पहाड़ी शादी में, जहाँ पर हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पहाड़ी शादी एक बहुत ही यूनिक वे में होती है। तो आइए हम आपको भी पहाड़ी शादी को एंजॉय करवाते हैं और आप भी मोमेंट्स को एंजॉय करो। तो जैसे कि आपने देखा, कुछ इस तरह से पहाड़ी लड़कियों की विदाई होती है, और उसके बाद हम खाते हैं पहाड़ी टेस्टी धाम, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो आपको पता है हिमाचल में धाम तो बहुत ही फेमस है। उसके बाद हम पहुंचते हैं 84 टेंपल में, जहां पे हमारे कुछ गूज़बम्स आने लगते हैं, बाकी उसकी मोमेंट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कुछ ही महीनों के बाद मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू होने वाली है, जो कि जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक चलती है।
पिछले साल मनीमेश कैलाश पर्वत की यात्रा का सफर कुछ अलग सा रहा है और इस बार का सफर बहुत ही अलग है। तो इस बार की मनीमेश कैलाश पर्वत यात्रा काफ़ी अलग होने वाली है। भारत के काफ़ी कोने कोने से मनीमेश को लोग दर्शन पाने के लिए आते हैं। तो होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना। ये वही रास्ता है जो सीधा मनीमेश कैलाश पर्वत की ओर ले जाता है और ये वही रास्ता है जो चंबा को भरमौर हिमाचल के साथ जोड़ता है। तो पिछले 4-5 दिनों से हिमाचल में काफ़ी बारिश हुई है जिसके कारण हिमाचल को काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि रास्ते पूरी तरह से टूट चुके थे। तो आज हम भी अपने चाचा के साथ जाते हैं और रास्तों को देखते हैं कि रास्ते कहाँ कहाँ टूट चुके हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भरमौर से जो हिमाचल प्रदेश में मनीमेश कैलाश पर्वत यात्रा है वहाँ पर इस बार का क्या अपडेट है। तो ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं आगे। तो ये नेटवर्क की वायरिंग लेकर जा रहे थे। यहाँ पे 5 दिनों से नेटवर्क नहीं था और तकरीबन 1 हफ्ते से लाइट नहीं थी और आउट ऑफ नेटवर्क था। जो बिल्कुल नॉर्मल रिश्ते थे वो बिल्कुल टूट चुके थे और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। ट्रांसपोर्ट का सब मटेरियल रुक चुका हुआ था, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। आप रिश्ते देख सकते हैं किस तरह से टूट चुके हुए। तो एक ट्राइबल एरिया की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ। तो ट्राइबल एरिया के लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर। तो होप करता हूँ आपको जो भी ब्लॉग था वो पसंद आया होगा। बाकी के अपडेट आगे देता हूँ। अगर आप मनीमेश कैलाश यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। हमारे चैनल में बने रहो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलने वाले हैं। सो गाइज़, यहाँ के अभी के करंट सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ के रास्ते खुल चुके हुए हैं और मनीमेश लोग काफ़ी कम जा रहे हैं क्योंकि अभी मानसून चली हुई हैं। तो रास्ते कभी भी ख़राब हो जा रहे हैं बारिश के कारण। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट प्लीज़ ड्रॉप करना। अगर आप मनीमेश आने का प्लान कर रहे हो तो एक बार मेरे को DM कर लो, आपको मैं पूरी की पूरी करंट सिचुएशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा तो बंटी हिमाचली यूज़र नेम के नाम से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो।